नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, अभी हमारे बीच में चंचल भाई हैं जो आप सभी के लिए आज सचिवालय गए थे। आप सभी को पता होगा कि तृतीय चरण की काउंसलिंग की प्रक्रिया हम सभी को जारी करवाना है और जितने भी हमारे चयनित अभ्यर्थी हैं उनको नियोजन पत्र जल्द से जल्द मिले, इस पे हमारी टीम जो है वो कार्य कर रही है। चंचल भाई हमारे आज गए थे सचिवालय और आप सभी के लिए जो भी महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी के बीच में रखेंगे। तो ऑल टीटी तैयारी चैनल पे मैं चंचल भाई जी का स्वागत करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी, आपका चैनल काफी है, पूरे बिहार में सटीक जानकारी देता है अभ्यर्थियों को और काफी पॉपुलर है। मैं अपनी बात इस पे रखने के लिए आपने समय दिया, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैं सचिवालय गया था जहाँ पे मेरी सबसे पहले बातचीत हुई थी शिक्षा मंत्री के पीए से। उनसे पूछा कि सर, जो 94,000 शिक्षक बहाली चल रही है, आखिर इनका नियुक्ति पत्र कब तक दिया जाएगा या फिर ये तीसरा राउंड कब तक किया जाएगा। तो उनमें से पीए ने कहा कि मंत्री जी का विचार है, बहुत जल्द इसको पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन उन्होंने एक भी एग्जैक्ट डेट नहीं बताया किसी चीज को लेकर। तो मैंने पूछा सर, फिर भी कब तक नियुक्ति पत्र आप भेजिएगा, कोई तय समय सीमा बताइए। तो उनका कहना था अधिकतम एक महीना में आपको हम दे देंगे। मैंने कहा सर, फिर भी कुछ इसका डेडलाइन तो होगा, आगे पंचायत चुनाव है, बाढ़ का खतरा है, कोरोना कुछ भी हो, तो हमें डर इस बात का। बोला ऐसा कोई बात नहीं, एक महीने में दे दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ शिक्षा मंत्री के पी का कहना था, हालांकि शिक्षा मंत्री नहीं मिल पाए, मीटिंग में बिजी थे, ये पी नहीं का। तो कोई भी उन्होंने एग्जैक्ट डेट नहीं बताया, फिर मुझे संतुष्टि मिली। तो वहां से फिर मैं प्राथमिक शिक्षा निदेशक जो अमरेंद्र प्रसाद सिंह उनके चैम्बर में गया। तो वहां पर मैंने पूछा, वहां पर और भी साथी आए हुए थे, कई साथी दरभंगा के थे जिनका एक इशू था कि जो वहां पे काउंसिल रद्द करने की बात की है 3-4 ब्लॉक में, उसको ना किया जाए, ऐसी कुछ मांग लेके आए थे। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिन्होंने कहा था कि महिलाओं के सीट पर उसी कोटि के पुरुष को मौका दिया जाए, ऐसे अभ्यर्थी कुछ वहां पे आए थे। तो हम भी उनमें से थे, तो हमने कहा कि सर जो आप काउंसलिंग करा रहे हैं अब तक जो संपन्न हुआ प्रथम दो राउंड, तो काफी पूरी पारदर्शी तरीके से हुआ, जहाँ पे दिक्कत आई वहां पे उसको रद्द भी किया गया। तो सर ऐसे में जो अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं चरण वाइज, उनको नियुक्ति पत्र भी दे दिया जाए, क्योंकि उन सब में अब सभ्य नहीं है और सभी परेशान हो गए 3-4 सालों से, और तीसरा चरण भी लगाया जाए जो वंचित अभ्यर्थी हैं सभी के लिए। इस प्राइमरी डायरेक्टर ने कहा कि इसमें विचार करेंगे और आगे मंत्री जी से बात करेंगे या अपर मुख्य सचिव जो प्रधान सचिव संगठन से बातचीत करेंगे। तो उन्होंने ये सब बातें कही, लेकिन हम लोग का यही कहना है कि आखिर कब तक चयनित नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो कोई भी विभाग इससे स्पष्ट रूप से बोलने से कतरा रहा है, कोई तय समय सीमा उनके पास नहीं है, कोई आगे की प्रक्रिया नहीं है। एक का कहना है कि पूरा नियोजन पूरा होने के बाद ही इसको हम नियोजन पत्र देंगे। सवाल ये कब तक पूरा होगा, इसका भी उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो ऐसे में हर बात पर विचार करने को बोला जाता है। इसका सबसे बड़ा खामियाजा ये है कि जो अमरेंद्र सिंह आए हैं उनको विभाग में क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं, वो बिल्कुल नए नए आए हैं। ऐसे में अधिकतम अभ्यर्थियों को आगे आकर इस मुद्दे को उठाना होगा कि घर बैठे हाथ में अंधेरे रहने से कुछ नहीं मिलने वाला किसी को। और जहां तक मुझे आज पता चला है कि थर्ड राउंड में काउंसलिंग का लेटर टाइप हो रहा है जो मैंने देखा, और बहुत जल्द आपके सामने आ सकता है, लेकिन तब तक आएगा ये कहना अभी संभव नहीं है। इसी बीच प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय ने डीओ बीओ सबको फोन किया और सभी की चयनित सूची मंगाई जा रही है एनआईसी अपलोड करने के लिए। अभी मेरे सामने बक्सर के बीओ उपस्थित, उनको बोला गया कि आप चयनित सूची अपलोड क्यों नहीं कर रहे, उनको फटकार भी लगाई। तो कहेंगे विभाग इस बात को लेकर भी सजग है कि जो चयनित सूची है वो भी एनआईसी पे डाला जाए सेकेंड राउंड का, और इसके बाद थर्ड राउंड काउंसिलिंग विभाग काम करे। लेकिन नियुक्ति पत्र पे वो अभी चुप्पी साधे बैठी, कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बता रही है। ऐसे में हर बात का विचार होगा, तो जो भी अभ्यर्थी हैं शिक्षक वाले में चयन, उनसे भी कुछ सजग होना होगा, एकजुट होना होगा और इस लड़ाई को लंबी करनी होगी ताकि आपको आपका हक मिले। क्योंकि हम सभी चाहते हैं शिक्षक दिवस एक बहुत सम्मान का दिन होता है, उस दिन सभी अभ्यर्थी को उनका नियुक्ति पत्र मिल जाए, और इससे बिहार सरकार की वाहवाही होगी, साथ साथ एक अभ्यर्थी को भी सम्मान महसूस होगा उस दिन ज्वाइन करने में। तो ये सारी मांग है जो हम सभी को करनी है। लिहाजा फिलहाल वो इस मैटर को देख रहे हैं, हर बार मुझे ही बोला गया कि हम इस पर विचार करेंगे, मंत्री जी से बात करेंगे, लेकिन अब मंत्री जी से भी इस बात को लेकर सवाल करना होगा, प्रधान सचिव से बातचीत करना होगा। एक सवाल मैं कहना चाहता हूँ तमाम अभ्यर्थी जो मुझे सुन रहे हैं कि शिक्षा मंत्री अपने आवास पे सुबह 9:30 से 11:30 बैठते हैं, उनको लिखित में आवेदन दे कि आप ग्रुप बाय ग्रुप जाके ये दोनों मांग रख सकते हैं, नियुक्ति पत्र हमको सर दे दीजिए चरण वाइज। जितने ग्रुप उनके पास जाएंगे उतना उनको लगेगा कि अभ्यर्थी परेशान है। सेम इसी वजह आप लिखित आवेदन प्राथमिक शिक्षा निदेशक को दे सकते हैं, और शुक्रवार को प्रधान सचिव जो 3:30 से 5:30 बैठते हैं
जनता दरबार में उनसे भी आप दे सकते हैं ताकि ये मुद्दे को और हम हाईलाइट कर सके और इस मांग को पुरजोर तरीके से उठा सके इन तमाम आला अधिकारियों के समक्ष, क्योंकि हम तो भी जानते हैं हम लोग 3-4 साल से परेशान हैं और घर बैठे रहने से कुछ नहीं मिलने वाला। और बाकी सचिवालय में पूरा विभाग न्यूज से भी जुड़ा हुआ है, सब इसी पे काम कर, जो मैंने आज ये सब चीज देखा है। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि सरकार चाहती है कि अभ्यर्थियों का फायदा का लाभ हो, लेकिन फिर भी कोई उनके पास तय समय सीमा किसी भी कार्य योजना के लिए नहीं है। ऐसे में हम सभी चाहते हैं कि हम सभी व्यक्ति अब घर बैठे ऐसे न रहें और अपनी मांगों को अच्छे तरीके से रखें। कुछ व्यक्ति जो कहते हैं महिलाओं को सिर्फ पुरुष को दे दिया जाए, इसे प्राथमिक शिक्षा निदेश में विचार करने का, लेकिन हालांकि पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके लिए पॉलिसी मैटर इसलिए कैबिनेट में पास होगा तभी होगा, और बीच बाली में ऐसा कुछ प्रावधान नहीं किया जा सकता। उनकी मांग ये संभव नहीं है जो कि महिलाओं की सिर्फ पुरुष को दिया जाए, क्योंकि ये हमारा मूल विज्ञापन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और कुछ ऐसी चीजें जो कि मॉडर्न है ताकि ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ऐसी मांग करना कहीं से भी जायज नहीं है। तो ऐसे में आप अपडेट के लिए परेशान रहते हैं, मैं इतना कहना चाहूंगा कि आप सभी एक्टिव रहिए और आपके पास हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी मांगों के लिए आवाज उठाइए, चाहे सोशल मीडिया हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, आपका नंबर भी है। एक दिलचस्प बात मैं कहना चाहूंगा, आज जो भी आप मैसेज डायरेक्टर महोदय करते हैं वो हर मैसेज को रीड करते हैं। मेरे सामने एक लड़की का मैटर उठा दिया, किसी लड़की ने मुझे मैसेज किया है बक्सर के कि उनका कैंसिल जारी नहीं किया गया, तो मतलब जो भी आप मैसेज डायरेक्टर महोदय करेंगे उस पर वो संज्ञान लेते हैं, उनके संज्ञान में बात आ जाती है। तो आप सभी उनको नियुक्ति पत्र के मैसेज कीजिए ताकि ये बात सर के सामने आए और इस पर सर आगे बातचीत करें मंत्री जी से, अपर सचिव से, और हमें शिक्षक दिवस से पहले अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र दे दिया जाए और जो वंचित अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा गाँव काउंसिलिंग में लगा दिया जाए। हालांकि इसका लेटर भी टाइप हो रहा है और बहुत जल्द आगे सामने आ जाएगी। जी सर, जी सर, जी सतीश जी, और जो, जो आपने सचिवालय अपडेट दिया है सर जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सभी 94,000 अभ्यर्थियों की तरफ से। नहीं सर, धन्यवाद के पात्र आप हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं अभ्यर्थी के पास, सटीक विश्वसनीय न्यूज देते हैं, अपडेट्स देते हैं, आपका चैनल काफी बिहार में पॉपुलर है। मैं कहूंगा जो अभ्यर्थी इसको सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और ये बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज वाला चैनल है, और मैं आपको बधाई देता हूँ, आप अभ्यर्थी के काम करते हैं, बहुत बहुत आपको बधाई इस चीज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए ऑल टीईटी तैयारी को, दबाइए इस बेल आइकन को ताकि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिले, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी उसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री।